साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इस सेशन में। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2018 में प्रवक्ता एग्जाम यानी PGT 11th 12th के टीचर के लिए जो एग्जाम करवाए गए थे, उसमें पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का जो पेपर है उस पर हम आज डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो भी आंसर दिए गए हैं वे आंसर लोक सेवा आयोग द्वारा यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा फाइनल आंसर की में जारी किए हैं, उसके बेस पर ये आंसर है। तो अब शुरू करते हैं और इसी के साथ साथ आपको जो ये वीडियो है, अगर आंसर्स आपको पूरे देखना है तो अंत तक जरूर देखें, और साथ ही साथ आपको प्रश्न पत्र यदि चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या आया हुआ था। 1887 में प्रकाशित पुस्तक द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन थे? तो द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक थे वुड्रो विल्सन। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर रहने के लिए किसने पुल व्यवस्था का प्रतिपादन किया था? पुल व्यवस्था का प्रतिपादन किया था हेनरी फेयोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेश की एकता सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? तो आदेश की एकता सिद्धांत से तात्पर्य अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है आपका नई दिल्ली में स्थापित है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथोर्न प्रयोगों को किसके नेतृत्व में किया गया? तो हाथोर्न प्रयोगों को किया गया था एल्टन मेयो के नेतृत्व में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट कार्प दृष्टिकोण संबंधित है, पोस्ट कार्प दृष्टिकोण संबंधित है लूथर गुलिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था VD गॉर्ने ने, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का विशिष्ट गुण क्या है? मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का विशिष्ट गुण है विधिक बौद्धिक सत्ता। भारतीय पुलिस सेवा निम्न में से किस विभाग या मंत्रालय के अधीन आती है? तो भारतीय पुलिस सेवा आती है गृह मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो कैक होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। 11वां क्वेश्चन है, भारत में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी कहाँ पर स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी है मसूरी में स्थित, ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये डिफरेंट स्टेट के PGT एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्रशिक्षण की विशेषता क्या है? ट्रेनिंग की जो विशेषता क्या है, तो ट्रेनिंग की विशेषता है ये सारी की सारी तैयारी करना, तैयारी, अभिविन्यास, ज्ञान, ये तीनों विशेषताएँ ट्रेनिंग की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस देश में प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा में भर्ती होती थी? प्राचीन काल में चीन में प्रतियोगिता के द्वारा, कंपटीशन के द्वारा लोक सेवा पब्लिक सर्विस में भर्ती होती थी। किसने कहा कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है? तो ये कहा था एल डी वाइट ने कहा था। किसने पद सोपान को स्केलर पद्धति का नाम दिया है? पद सोपान को स्केलर पद्धति का नाम दिया है मुने एवं रैले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 16 क्वेश्चन हमारे पास है। विभागीय संगठन के चार आधारों का विचार किसने दिया है? तो ये दिया है आपका लूथर गुलिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन का
गठन से संबंधित है, तो वित्त आयोग के गठन से संबंधित है अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेटन समिति प्रतिवेदन संबंधित है, एसेटन समिति प्रतिवेदन संबंधित है, किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार से, भर्ती से, पदोन्नति से, प्रशिक्षण से, तो यह संबंधित है प्रशिक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन का जनक माना जाता है? लोक प्रशासन का जनक माना जाता है वुड्रो विल्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुशासन पर लिखी गई पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के लेखक हैं? तो री इन्वेंट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे जुलाई 1946 में। नगर राज्य शब्दावली संबंधित है, तो देखिए नगर राज्य शब्दावली संबंधित है प्राचीन यूनान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23rd वाला, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अंततः वापस लिया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया गया था? क्योंकि चौरी चौरा में हिंसक वारदात के कारण महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। आपने यह बताना है कि यह किस वर्ष वापस लिया गया, यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक स्वस्थ जनमत के विनिर्माण में बाधा है? स्वस्थ जनमत के विनिर्माण में बाधा है, तो स्वस्थ जनमत के निर्माण में विनिर्माण में बाधा है सांप्रदायिक प्रचार प्रसार। ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के निम्नलिखित में से कौन से कार्य नहीं है? लोकमत का निर्माण करना, सरकार का गठन करना, राजनीतिक चेतना का प्रसार करना, प्रेस को नियंत्रित करना। देखिए प्रेस को नियंत्रित करना राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है, भले ही इसका विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको यह बताना है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 26th क्वेश्चन है, होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य था भारत के लिए स्वशासन। आपने यह बताना है कि होम रूल लीग आंदोलन की भारत में शुरुआत किस किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27th, मार्क्स का अनंतिम उद्देश्य स्थापित करना था, मार्क्स कार्ल मार्क्स क्या चाहते थे? तो कार्ल मार्क्स का जो अंतिम उद्देश्य था एक वर्ग विहीन समाज स्थापित, जहां पर कोई वर्ग ना हो, ना अमीर हो ना गरीब हो और ना उच्च हो ना नीच हो। 28th क्वेश्चन हमारे पास है, आधुनिक उदारवाद पारंपरिक उदारवाद से भिन्न है, क्योंकि आधुनिक उदारवाद पारंपरिक उदारवाद से भिन्न है क्योंकि यह विश्व को सभी प्रकार के अत्याचारों एवं शोषण से मुक्त रखना चाहता है। ध्यान रखेंगे ये भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है, डेविड स्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31st, उत्तर व्यवहारवाद बल देता है, उत्तर व्यवहारवाद बल उपादेयता पर भी देता है और कृत्य पर भी देता है। 32nd क्वेश्चन है, डेविड ईस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर क्या है? डेविड ईस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर हैं सभी, मांग है, समर्थन है, पुनः निवेश, ये सभी के सभी डेविड ईस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, यह एक सर्वोच्च समुदाय है? राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, यह एक सर्वोच्च समुदाय है, यह कहा था अरस्तू ने। ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
संसद के दो सत्रों के मध्य का अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ये ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, आमतौर पर परिधीय देश केंद्र पर निर्भर होते हैं। आमतौर पर परिधीय देश केंद्र पर निर्भर होते हैं किसके लिए? परिधीय देश केंद्र पर निर्भर होते हैं निर्मित सामान के लिए। किसके लिए? निर्मित सामान के लिए। सी ऑप्शन सही होगा 35th का। 36th क्वेश्चन है, किसने कहा कि दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज के सुख की वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है? दंड और पुरस्कार के द्वारा समाज के सुख की वृद्धि करना, ये किसने कहा था? तो यह कहा था जेरेमी बेंथम ने, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनियो ग्रामसी के अनुसार नागरिक समाज की संस्थाएं क्या हैं? ग्रामसी के अनुसार नागरिक समाज की संस्थाएं क्या हैं? तो सभी के सभी होंगी, परिवार है, पाठशाला है, धार्मिक संस्थाएं, तीनों के तीनों होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महिलाओं में से कौन उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित है? कौन उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित है इन महिलाओं में से? तो ये होंगी सभी की सभी, ये सभी की सभी उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इससे पहले आप एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39th, संविधान के द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध रोपित कर सकती है? मौलिक फंडामेंटल राइट्स पर युक्ति संगत जो प्रतिबंध रोपित कर सकती है वह संस्था है आपकी संसद। संसद को यह अधिकार है, ठीक है। आपको यह बताना है कि आपातकाल में कौन से मौलिक अधिकार प्रतिबंधित नहीं रहते हैं, बाकी सभी के सभी मौलिक अधिकार प्रतिबंधित रहते हैं, आपने यह बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 वाला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत दिया गया? स्वतंत्रता और समानता के बीच संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत जॉन रॉल्स के द्वारा दिया गया, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक सरकार के सफल संगठन हेतु आवश्यक शर्तें क्या हैं? तो संघात्मक सरकार के सफल संगठन हेतु आवश्यक शर्तें ये सभी की सभी हैं, भौतिक समीपता, भौगोलिक समीपता, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं में समानता, केंद्र राज्य के बीच समन्वय, ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ध्यान रखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है देश में सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, यानी एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आपको यह बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का, सिद्धांतों का जिक्र किया गया है, साथ ही साथ यह किस देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह को, प्रेशर ग्रुप्स को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है? दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है फाइनर ने, ऐसी फाइनर ने दी है, ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांतों में से कौन सा राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? ध्यान रखेंगे, इन राजनीतिक सिद्धांतों में से राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45th पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप में प्रस्तुत करने के लिए श्रेय दिया जाता है? सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप में प्रस्तुत करने का जो श्रेय दिया जाता है वो रॉल्स को दिया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और आपको यह भी आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पत्र, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। 46th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का आलोचक नहीं है? संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का आलोचक नहीं है गार्नर, ध्यान रखेंगे,
गार्नर संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का आलोचक नहीं है। इनमें से 47 क्वेश्चन में एक युग्म सही नहीं है। कौन सा वो युग्म है? देखिए, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1965 में नहीं हुई थी। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि यह किस वर्ष हुई थी। परमाणु अप्रसार संधि 1968 में हुई थी, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996 में हुई थी और भारत का पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था। तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 वाला। निम्नलिखित में से कौन सा डेविड ईस्टन के व्यवहारवाद के सिद्धांत का एक लक्षण नहीं है? डेविड ईस्टन के व्यवहारवाद के सिद्धांत का एक लक्षण नहीं है प्रासंगिकता का सिद्धांत। सी ऑप्शन करेक्ट है। 49th है, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नहीं है? माइनॉरिटीज को प्रतिनिधित्व देने की कौन सी पद्धति नहीं है? तो ऑप्शन होगा सी आपका सही, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। 50 क्वेश्चन आपका है, सांस्कृतिक क्रांति एवं स्थायी क्रांति के सिद्धांतों का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा किया गया था? सांस्कृतिक क्रांति और स्थायी क्रांति, तो ये किया था माओ के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उनको कालानुक्रमिक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी जो पहले हुआ उसे पहले और जो बाद में हुआ वो बाद में। ठीक,